गोधुलीपुरम स्थित बावन वाटिका में आज विद्यार्थी मेघा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विप्र समाज के सैकड़ों छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और इनाम राशि देकर सम्मानित किया गया। ब्राह्मण सेवा संघ के तत्वावधान में आयोजित मेधावी सम्मान समारोह में हाई स्कूल और इंटर बोर्ड की परीक्षा में कीर्तिमान स्थापित करने वाले सैकड़ों छात्र छात्राओं को मेघावी सम्मान समारोह से नवाजा गया। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए इस कार्यक्रम में आए अतिथियों ने अपने उद्बोधन से छात्र छात्राओं में जोश का संचार किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व शिक्षा मंत्री पंडित श्याम सुंदर शर्मा, संत गोविंद आनंद तीर्थ महाराज, ब्राह्मण सेवा संघ के संस्थापक पंडित चंद्रलाल शर्मा और अध्यक्ष आचार्य आनंद बल्लभ गोस्वामी और प्रधान मुकेश सारस्वत द्वारा छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और इनाम राशि भेंट कर उनका अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं के अलावा विप्र समाज के गणमान्य लोगों द्वारा शिरकत की गई। पूर्व शिक्षा मंत्री और विधानसभा क्षेत्र से विधायक पंडित श्याम सुंदर शर्मा ने ब्रज की बाल प्रतिभाओं की उत्कृष्ट और शिक्षा क्षेत्र में किए गए प्रदर्शन पर बच्चों की जमकर प्रशंसा की। कार्यक्रम के संबंध में ब्राह्मण सेवा संघ के अध्यक्ष आनंद बल्लभ गोस्वामी ने बताया कि हाई स्कूल और इंटर बोर्ड परीक्षाओं में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के प्रोत्साहन के लिए उन्हें आज सम्मानित किया गया है। आज ब्राह्मण सेवा संघ के तत्वावधान में विप्र विद्यार्थी मेधा सम्मान समारोह का विशाल विराट आयोजन किया गया है। इसमें वृंदावन नगर के ऐसे विप्र बालक बालिकाएं जिन्होंने CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, इनकी हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं, ऐसे बच्चों को एक साथ एक ही मंच पर लगभग 210 बच्चों को सम्मान करने का एक रिकॉर्ड कायम किया है। और इसमें हमने 15 बच्चों को अवार्ड भी दिए हैं। ये महापुरुषों के नाम से अवार्ड हैं। इसमें उच्चतम श्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को अवार्ड, सामग्री, नगद धनराशि, ये सब प्रदान करके हमारा उद्देश्य रहा कि इन विप्र विद्यार्थियों को उत्साहवर्धन हो और ये पढ़े लिख करके आगे बढ़े और बहुत ज़्यादा हमारे समाज का नाम रोशन करें। इस भावना से इन बच्चों को हमने आज सम्मानित किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा कि इतनी भारी संख्या में लोग इनका उत्साह बढ़ाने के लिए आए, ये एक अपने आप में वृंदावन के लिए इतिहास है कि इतना बड़ा आयोजन एक ही मंच पर इतने विद्यार्थियों का सम्मान। इसके लिए मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ, यहाँ के विप्र समाज का आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी भारी संख्या में आकर उन्होंने बच्चों का मनोबल बढ़ाया।